चुनाव होता है तो दो लोगों के बीच में होता है, चार लोगों के बीच में होता है। ऐसे सब लोग मानते हैं पूरे देश में मध्य प्रदेश में दो दलीय व्यवस्था है और दो दलीय व्यवस्था में हमारी पार्टी के सामने कांग्रेस का कोई न कोई प्रत्याशी आता है। और जितना जोरदार हमारा शुभारंभ हो रहा है, हमारा प्रत्याशी डंके की चोट भगवान राम का आशीर्वाद लेके अपना नामांकन भरने के लिए पूरे प्रदेश का पहला आदमी बनता है। और कांग्रेस का प्रत्याशी तो नहीं आया, लेकिन कांग्रेस में रह करके कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते हुए लालचंद जी गुप्ता हमारे बीच में आए, जोरदार तालियां बजा लिया, कांग्रेस की हालत हो रही। ऐसी कहावत है कि कूद के पांव पालने में दिखाई देते हैं। अभी से कांग्रेस की यह हालत है, 29 लोकसभा सीट है, लेकिन 29 लोकसभा सीट में अभी कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। एक भी नामी गिरामी आदमी कांग्रेस का मैदान में नहीं आ रहा। हम तो कह रहे भैया आओ, आप ही ने तो यहां आपके नेता ने पदयात्रा चालू करी, और लोग कह रहे वो पदयात्रा नहीं कांग्रेस छोड़ो यात्रा थी, जहां जहां घूमे वहां वहां कांग्रेस छोड़ के चले गए लोग। जिस रास्ते से गए नेता, आगे आगे भाई साहब, पीछे पीछे फुल स्टॉप, पता ही नहीं चल रहा कहां गए किधर से गए, इसलिए उनका छोटे से छोटा रास्ता रखा गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।